हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पर। तो दोस्तों, आज बहुत लॉन्ग समय के बाद मैं आपसे मिल रहा हूं और उम्मीद है दोस्तों आप सबको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, ये मेरा देख सकते हैं घर का बैकग्राउंड का दृश्य है। ठीक है, और आज चलिए आपको कुछ दिखाते हैं, हमारे कुछ जो गाँव का दृश्य उसको दिखाता हूँ। ठीक है, और चलिए यहाँ कुछ देखते हैं। और आज है संडे, तो थोड़ा सा बाहर मज़ा ले लेते हैं, फिर घूम लेते हैं। ठीक है, तो चल चलते हैं। और हमारे तो काफ़ी समय बाद हम आपसे मिल रहे हैं और मिल के बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि दोस्तों आप जान सकते हैं कि यार अभी हाल ही में बहुत इलेक्शन चल रहा है, चुनाव चल रहा है, और जिसकी वजह से आदमी बहुत व्यस्त रहता है। ठीक है, बिजी रहता है। आज हम आए हैं, पता है, ग्राउंड में आए घूमने के लिए, और काफ़ी खुला एरिया है, पता है, इधर से देख सकते हैं, इधर पूरा, इधर देख सकते हैं दृश्य है ना, उसमें थोड़ा खुला एरिया है। और बैकग्राउंड में जो है कैमरा का कुछ बच्चे हैं जो हल्ला कर रहे हैं और हिला रहे हैं। ठीक है, जिससे मुझे डिस्टर्बेंस तो हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन वो भाग गए हैं अभी। और चले बात तो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मैं एक कहना चाहता था यार कि आप घर से में अगर रहते हैं, ठीक है, तो घर से बाहर निकलिए, तो हम लोग तो रहते हैं घर से बाहर ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन घर का मतलब ये नहीं कि चार दीवारी हो और कुछ और होता है। तो आप कौन सा घर समझते हैं, आप लोग बताइए। ठीक है, जो समझ रहे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि थोड़ा सा समय निकाल लें और थोड़ा सा घूम लो, ठीक है, घर के बाहर। और बहुत लोग के पास समय होता है, बहुत लोग के पास नहीं होता है। तो मेरे पास तो समय है अभी, आज अभी सबको घूम रहा हूँ। और बहुत लोग ऐसे होते हैं, पता है, कि बोलते कह रहे मेरे पास तो समय ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो उन लोग को कह देना चाहते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने लिए समय नहीं निकालोगे ना, तो लाइफ में समय बचेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि समय इतना ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि उसको आप रोक नहीं सकते, और उसको रोक नहीं सकते तो उसके लिए कोई पाबंदी भी नहीं है, और उसका सदुपयोग भी नहीं कर सकते। तो सदुपयोग क्या कर सकते हो। ठीक है, सदुपयोग यही कर सकते हैं कि जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें, और जो नहीं कर रहे हैं उसको ख़त्म करें। हाँ, जो हमारे पास जो है, जो भी सुविधा है, जो भी है, जो आप करना चाहते हैं उसको करिए। ठीक है, यही मतलब एक अच्छा बेस्ट उपाय है। अब अगर नहीं करना चाहते तो मत करिए, मस्त रहिए। एक उम्मीद भरा जीवन अगर आप जीने के सोचते हैं और अपने लाइफ को कुछ बेटर करना चाहते हैं दोस्तों, तो एक आखिरी उम्मीद बस यही है कि कुछ करिए, कुछ कर लीजिए। ठीक है, और उसमें करना कुछ नहीं है। करने का मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो बनाओ, शूट आउट करो और डालो, ये नहीं है। और जो निराश से बहुत ज़्यादा अपने लाइफ से और उदास भरी ज़िंदगी जीते हैं, मैं वो लोग से कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे देखा हूँ यार, जो एकदम सैड बैक में है, चले गए हैं और काफ़ी पीछे चले गए हैं, एकदम दुखी नज़र आते हैं। मैं दो चार लोग से मिला था तो वो बता रहे थे कि मुझे अच्छा नहीं लगता है आजकल और बहुत बेकार लगता है। तो देखिए यार, बेकार तो सबको लगता है। ठीक है, अब कुछ अच्छा करोगे तब तो अच्छा लगेगा, और बेकार करोगे तो बेकार लगेगा। तो थोड़ा बहुत अच्छा करिए ताकि आपको अंदर से खुशी मिले। बस यही जो मतलब जीवन है, हम लोग की दृष्टि से, आप लोग की दृष्टि से क्या है मुझे तो नहीं पता। ठीक है, लेकिन इतना पता है कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। तो दोस्तों, आज ग्राउंड में आके कितना मज़ा आ रहा है यार, आप देख सकते हैं, एकदम रियल खाली एकदम जगह है। ठीक है, इधर पूरा ग्राउंड है, आप दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इस मेरे गांव का दृश्य देख सकते हैं, एकदम पूरा सुनसान एरिया है, इधर कुछ भी नहीं है अगल बगल। ये देखिए, इधर गाड़ी खड़ी है, इधर देखिए एक बच्ची खेल रही है, एक बच्चा उधर खेल रहा है, ये देखिए। और यहाँ का जो दृश्य दोस्तों, मज़ा आएगा देखने के यार, और देखने से। ठीक है, और मैं आपको क्या बताऊँ यहाँ, ठीक है, अगर ऐसे जगह में घूमा करेगा ना तो मज़ा आता है। आइए देखिए, अभी शाम का समय है, इवनिंग का, मस्त सुंदर सा दृश्य है। तो दोस्तों, अब ये दृश्य बताया यार कैसे आया, और मुझे तो बहुत सुंदर लगा है। ठीक है, और बहुत लंबे समय के बाद दोस्तों मैं आपसे जुड़ रहा हूँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अब कंटिन्यू मैं प्रयास करूँगा, ठीक है, कुछ कंटेंट बनाने का, क्योंकि समय अगर है आपके पास तो मज़ा ज़रूर लेंगे। ठीक है, मज़ा तो ले नहीं पाएंगे, लेकिन लेने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इसको यहीं पर सभी एंड करते हैं और दिखाते हैं आप लोग को। चलिए,